नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, LSG की टीम ने जो है RCB की टीम को जो है 28 रन से मैच हरा दिया और उन्होंने जो है इस IPL की दूसरी जीत अपने नाम करी। और अगर बात करें हम RCB की टीम की, RCB की टीम जो है ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, क्योंकि RCB की टीम ने अभी तक 4 मैच खेले और 4 में से जो है वो 3 मैच हार चुके हैं। और 2 मैच की बात करें तो वो अपने होम ग्राउंड पे ही हारे। पहला मैच वो CSK से हारे, दूसरा आपका KKR ने उनके घर में जाके उनको हराया और LSG की टीम ने जो है कल उनको मैच हराया। अगर बात करें मैच की, तो मैच में जो है RCB की टीम ने जो है टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, जो कि फैसला जो है ठीक ठाक साबित हुआ। क्योंकि अगर बात करें RCB जैसा होम उनका जो आपका जो ग्राउंड है चिन्नास्वामी स्टेडियम, उसका जो डायमेंशन देखा जाए तो छोटी सी इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। उसके हिसाब से देखा जाए 181 रन जो है कम ही थे, बट जो है 180 रन भी नहीं बनते अगर लास्ट में जो है लास्ट के 2 ओवर में निकोलस पूरन ने 5 छक्के लगाए, 5 छक्कों की बात करें, जिसके बदौलत ही जो है ये स्कोर 181 तक पहुंच पाया। नहीं तो लग रहा था कि 160 के आसपास स्कोर बनेगा किसी तरीके से। और अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने कल बेहतरीन पारी खेली, 81 रन की पारी खेली। और अगर हम पहले विकेट की बात करें तो KL राहुल और क्विंटन डिकॉक के बीच में 53 रन की पार्टनरशिप हुई, जो कि 5.3 ओवर्स में, तो उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से बेहतरीन पार्टनरशिप करी। फिर उसके बाद जो है दूसरा विकेट देवदूत पार्टिकल जो है कुछ बेहतरीन नहीं कर पाए। देवदूत पार्टिकल जो है आए और गए, 6 रन की पारी खेली 11 बॉलों पर। फिर उसके बाद मार्कस टोनिस और क्विंटन डिकॉक के बीच में एक ठीक ठाक की पार्टनरशिप हुई, आपके बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, तो वो भी आपका जो है 56-57 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच में। तो दोनों ने जो है आपके क्विंटन डिकॉक ने जो है अपनी जो 50 बनाई। उसके बाद जो है आपके मार्कस टोनिस ने जो है 24 रन की पारी खेली 15 बॉलों पे, एक आपका जो ओवर जो है उन्होंने उसमें एक चौका मारा और 2 छक्के मारे। अगर आप बात करें मार्कस टोनिस की, तो मार्कस टोनिस के आउट होने से वो जो है ग्लेन मैक्सवेल की ऐसी बॉल पे आउट हुए जिस पे वो छक्का मार देते वो किसी भी टाइम, बट बोल सकते हैं आप उनको वो अनलकी रहे। फिर उसके बाद जो है आपके क्विंटन डिकॉक एक तरफ खेल रहे थे, तो क्विंटन डिकॉक भी जो है हिटिंग नहीं कर पा रहे थे, वो उनसे जो है बॉल बिडल नहीं हो पा रही थी बैट में, जिसके बदौलत जो है ये स्कोर कम से कम 200 रन बनता। 12 ओवर्स में 100 रन थे, तो लास्ट के 8 ओवर में 100 रन जरूर बनते हैं। बट जो है इस टीम ने जो है लास्ट के 2 ओवर में जरूर 5 छक्के मारे आपके निकोलस पूरन ने, बट जो आपके 13 से लेके आपके 18 ओवर तक जो है जो एक्सेलरेशन चाहिए होता है इनिंग को वो नहीं दे पाए। चाहे आप बात करें क्विंटन डिकॉक की, आप मार्कस टोनिस खेले रहते, निकोलस पूरन आप आए, और फिर आपके आकाश ए बदोनी जो है वो भी आए, तो उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया। 3 रन की पारी खेली 0 बॉल पे, 0 बॉल की रन की पारी खेली 3 बॉलों पे। फिर उसके बाद जो है क्विंटन डिकॉक जो है अपना 100 की तरफ जा रहे थे, बट उनको जो है री स्टॉपली ने जो आउट किया कि मयंक डागर ने उनका कैच पकड़ा। जब वो आउट हुए तो 81 रन की पारी खेल ली थी 56 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए। अगर उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 144.64, अगर देखा जाए आपका क्विंटन डिकॉक का ये स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट ठीक ही है, बट अभी जो है IPL के लास्ट में जो लास्ट के ओवर्स में जाकर जो है 140 का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना बेहतरीन नहीं है। उस दिन जो है विराट कोहली ने भी इसी के आसपास की स्ट्राइक रेट की पारी खेली थी, तो उसके लिए ट्रोलर्स ने ट्रोल किया था उनको कि ये स्लो पारी खेल रहे हैं या। तो क्विंटन डिकॉक भी जो है कल अपना उन्होंने 100 मिस किया और जो है वो एक्सेलेशन नहीं दे पाए। क्विंटन डिकॉक जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 143 रन पे 4 विकेट था। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट विकेट आपके बदोनी गिर गए, वो भी 4 रन और हुए टोटल स्कोर में ऐड हुए, 148 रन बने, उस पर बाद आउट हो गए। फिर उसके बाद जो 17 पॉइंट 18 ओवर्स में आपके 143 रन थे और आपके 12 ओवर्स में 102 के आसपास जो ये जो 6 ओवर बीच के जो रहे 13 से लेके 18 तक, तो इसमें मात्र जो है इन्होंने 46 रन मारे, तो इसको जो है एक्सीलरेट नहीं कर पाए। बट लास्ट में जो है अगर आप निकोलस पूरन की हिटिंग देखें तो उन्होंने जो है 5 छक्के लगाए लास्ट के 2 ओवर में, जिसकी बदौलती जो है ये स्कोर आपका 181 रन पहुंच पाए। और निकोलस पूरन ने जो है 40 रन की पारी खेली 21 बॉलों में और उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका लगाया और 190.48 की बॉलिंग करी। और अगर कल की बॉलिंग की बात की जाए RCB की तरफ से, तो RCB की तरफ से आपके टॉप बॉलर रहे आपके ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट लिए। उसके बाद आपके रीस टॉपली ने 1 विकेट जरूर लिया। फिर उसके बाद यश दयाल ने भी 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट लिया। और यश दयाल की बात की जाए तो यश दयाल जैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने 5 छक्के खाए थे रिंकू सिंह के खिलाफ,
तो उनका मनोबल टूट गया था, बट वो इस बार जो है आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने भी लास्ट ओवर में 2 छक्के खाए, 4 ओवर में 47 रन्स देके उनका अगर इकोनॉमी की बात करें तो 11.75 का रहा। और अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शुरुआत बेहतरीन किया, चेज ऑन था इनका, क्योंकि ये जो 4 ओवर में इन्होंने 40 रन्स के आसपास बना लिए थे, और जब विराट कोहली आउट हुए तो मतलब टीम का स्कोर जो था आपका विराट कोहली जब आउट हुए तो 40 रन्स था। और अगर बात करें हम बॉलर्स की, तो एम सिद्धार्थ ने जो है स्टार्ट किया, उसके बाद आपके कुणाल पांड्या ने, दोनों ने बेहतरीन बॉलिंग कराई, और इन दोनों ने मिलके ही जो है मतलब स्टार्टिंग के 2 ओवर में तो 2-3 ओवर में रन्स ज़्यादा दिए नहीं। और फिर आपके जो एम सिद्धार्थ ने जो है अपने आईपीएल के करियर का, या मतलब आईपीएल में उन्होंने सबसे पहला विकेट लिया विराट कोहली को आउट किया। विराट कोहली जब आउट हुए तो उन्होंने 22 रन्स की पारी खेली 16 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। और फाफ डू प्लेसिस का अगर इस आईपीएल की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस इतना बेहतरीन नहीं कर पा रहे। फाफ डू प्लेसिस जो है आपके दूसरा शिकार बने ग्लेन, मतलब फाफ डू प्लेसिस आउट हुए 42 रन्स पे, फिर उसके बाद आपके ग्लेन मैक्सवेल भी आउट हो गए 43 पे, उसके बाद जो इनके क्रिस ग्रीन है वो भी 58 रन्स पे 4 विकेट गिर गए थे 7.4 ओवर्स में। और अगर बात करें तो चेज अभी भी ऑन था, क्योंकि अगर अभी बात करें तो इनके पास महिपाल रोर, लोमरोर था, अनुज रावत था, और आपके इसके बाद जो है दिनेश कार्तिक जैसे हिटर भी तो इनके पास अभी थे। और अगर बात करें हम कल के मैच की, तो फाफ डू प्लेसिस थोड़े अनलकी रहे, उन्होंने हाथ में बॉल मारी और वो मतलब रन आउट हुए। फिर उसके बाद आपके जो ग्लेन मैक्सवेल भी जो है, मयंक यादव की अगर बात करें तो वो एक बहुत बेहतरीन सुपरस्टार होने वाले हैं टीम इंडिया के लिए। और अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने जो है कल 3 विकेट लिए, और इससे पहले भी उन्होंने जो है आपके लास्ट स्टार्टिंग जो इन्होंने डेब्यू किया था उसमें भी 3 विकेट लिए। तो अगर मयंक यादव की बॉलिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने जो है आईपीएल के इतिहास की, मतलब इतिहास की नहीं, 2024 में 157 के मतलब आसपास की स्पीड से बॉलिंग डाली। और मयंक यादव जो है एक नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले इंडियन क्रिकेट को अगर देखा जाए। और जो आपका जो मतलब अभी T20 वर्ल्ड कप है, तो उम्मीद है उनका जो है आपको जो है उनका सिलेक्शन होगा उस टीम के लिए। और मयंक यादव की अगर बात करें, उनके अगर स्टैट्स की बात करें, तो 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट लिए। और मयंक यादव की बात करें तो उन्होंने जो है सबसे पहले आपके मतलब उन्होंने सबसे पहले आपके ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, वो मतलब उसके बाद आपके मयंक यादव ने क्रिस ग्रीन को बोल्ड मारा, उनको तो क्लूलेस रहे, उनको पता ही नहीं चाहिए बॉल कहाँ से आई, 147 के आसपास की शायद वो बॉल थी। और उसके बाद जो है आपके लास्ट में उन्होंने जो है रजत पाटीदार खतरनाक दिख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि रजत पाटीदार ये चेज कर देंगे, तो उनको भी जो है आउट किया। तो मयंक पाटीदार जो है इस आईपीएल 2024 के लिए इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन खोज है। और अगर उनकी बात करें तो उनके कोच है आपके मॉर्ने मोरकल का आपको पता है साउथ अफ्रीका से आते हैं, और साउथ अफ्रीका से जो मतलब बॉलर्स आते हैं तो उनके पास बाउंस प्लस स्पीड, तो यही चीज़ दिख रही है आपको मयंक यादव के अंदर भी। फिर उसके बाद जो है ये चेज आपका जो है मतलब अनुज रावत जो है आपके 5वें विकेट के रूप में गिरे, जो कि मतलब अनुज रावत ने मात्र 11 रन की पारी खेली 21 बॉलों में अगर देखा जाए तो एज पर आई मतलब T20, तो ये इनिंग बहुत ज़्यादा ही स्लो थी। हाँ, महिपाल लोमरोर ने जरूर जो है लास्ट में कुछ उम्मीदें बांधी, जब इनको जो है 4 ओवर में 60-61 रन के आसपास की चाहिए थे, तो इन्होंने जो है 13 बॉलों पे 33 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए। अगर इनके मतलब स्ट्राइक रेट की बात करें तो 253.85 का स्ट्राइक रेट रहा। और दिनेश कार्तिक जो है महिपाल रोमरोर आउट हुए, उसके बाद दिनेश कार्तिक आउट हो गए, फिर तो उसके बाद जो है ये चेज कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि महिपाल लोमरोर जो है वो एकमात्र विकेट थे जो कि ऐसा लग रहा था कि ये जिता देंगे आज, बट महिपाल लोमरोर के आउट होने के बाद जो है मतलब ये स्कोर खत्म हो गया। 138 पे जो है महिपाल का स्कोर गिरा 9वां विकेट। फिर उसके बाद जो है सिराज भी आउट हो गए। तो ये जो है मतलब आरसीबी की टीम के साथ ऐसा ही हो रहा है जैसा कि वो हर बार करती है। आरसीबी की टीम से उनके फैंस वगैरह को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है, बट ये जो है टीम अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती, और ये हर बार बोलते हैं ये साला कप नम दू। इस बार तो उनकी जो मतलब लड़की की टीम ने, वुमेन्स टीम ने भी है, उन्होंने भी खिताब जीता, तो इस बार उम्मीद थी कि वो उससे इंस्पिरेशन लेके परफॉर्मेंस ऐसा देंगे, बट जो है अभी भी देर नहीं हुई है। अभी तो 4 मैच हुए, अभी
और जो है अगर ये बेहतरीन करते हैं जो इस बाद वाले मैच, अभी जो बाकी मैच है, तो ये अभी भी जो है बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप बात करें बॉलिंग स्टैट्स की, तो उसमें आपके टॉप स्कोर मतलब बॉलर रहे मयंक यादव, चार ओवर में 14 रन देके और फास्टेस्ट बॉलर बने वो आईपीएल 2024 के। उसके बाद आपके आर बिश्नोई तीन ओवर में 33 रन दिए, यश ठाकुर ने चार ओवर में 38 रन देके एक विकेट लिए, मार्कस टोनिस ने भी एक ओवर में 9 रन देके एक विकेट लिया, कृणाल पांडे ने एक ओवर में 10 रन दिए, एम सिद्धार्थ ने तीन ओवर में 21 रन देके, उन्होंने विराट कोहली का जो है बेस कीमती विकेट लिया। तो मिला जुला की अगर बात की जाए तो आरसीबी की टीम जो है 182 रन सेज नहीं कर पाई और आपकी एलएसजी की टीम ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। और अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो आपके जो है स्पीड स्टार इंडिया के न्यू सेंसेशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे मयंक यादव जो है बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं और उम्मीद है जो है वो शायद जो है मतलब शोएब अख्तर का जो 161.3 या कुछ का मतलब 100 माइल्स पर आवर का जो मतलब उनका स्पीड है उसको मतलब तोड़ेंगे। और उम्मीद है कि कोई अगर बॉलर आए तोड़े तो वो इंडिया का ही बॉलर हो। और मयंक यादव से आप ये अभी उनको 21 ईयर्स के हैं तो अभी जो है उनके मतलब पावर और मसल्स वगैरह आएंगी, तो उम्मीद है ये इसको तोड़ेंगे। और जो है फैंस वगैरह की बात करें तो वो जो है इस परफॉर्मेंस से जो है मतलब आरसीबी की बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, बट मतलब वो इतने खुश नहीं है। देखते हैं आरसीबी की टीम इस जो आईपीएल में अब कैसा खेलती है। और उसके बाद अगर बात करें तो आज का मैच भी बहुत बेहतरीन होने की उम्मीद है। उसमें जो है आपका आज का मैच जो है केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स ने लास्ट मैच जो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम को हराया और आपके केकेआर की टीम ने 2 में से 2 मैच जीते हैं। तो उम्मीद है केकेआर की टीम और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच बहुत बेहतरीन होगा और मैच जो होगा आपका विशाखापट्टनम में होगा, जो लास्ट मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो देखते हैं इस मैच पर भी नज़रें रहेंगी और मिलते हैं आपको इस मैच के बाद।